दोस्तों आज से 350 करोड़ साल बाद हमारा सोलर सिस्टम कैसा होगा और क्या उस समय भी पृथ्वी पर इंसान रह रहे होंगे। दोस्तों हमारा सूरज जो सोलर सिस्टम का सेंट्रल स्टार है, माना जाता है कि उसकी एज अब करीब 450 करोड़ साल ही और बची है। इस गोले के अंदर हर सेकंड 70 करोड़ टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन की इस प्रोसेस के कारण सूरज हर सेकंड 50 करोड़ टन मैटर को एनर्जी में बदल रहा है। एक सेकंड में सूरज 3.8 × 10^26 वाट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। ये इतनी ज्यादा एनर्जी है जितनी इंसानों ने अपने पूरे इतिहास में इस्तेमाल भी नहीं किया है। अब इस लगातार एग्जॉस्ट होते मैटर के साथ सूरज भी हल्का होता जा रहा है। एक दिन ऐसा आएगा जब सूरज के कोर में मौजूद सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुकी होगी और ये वो दिन होगा जब सूरज की कोर कोलैप्स होने लगेगी और आउटर लेयर्स वीक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक्सपैंड होंगी। सूरज का साइज बड़ा होने लगेगा और ये एक रेड जायंट स्टार में बदल जाएगा। अब इस समय सूरज की आउटर लेयर्स पृथ्वी की ऑर्बिट को पार कर चुकी होगी, मतलब कि मर्क्यूरी, वीनस और पृथ्वी तीनों ही सूरज के अंदर समा जाएंगे और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों का अंत निश्चित है। पर देखो, ये सिर्फ पृथ्वी से जीवन का अंत नहीं है बल्कि सूरज के अंत की शुरुआत भी होगी। जब सूरज की कोर का टेम्परेचर बढ़ते हुए 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा तब हाइड्रोजन के फ्यूजन से बना हीलियम कार्बन में बदलने लगेगा। अब समय के साथ साथ जैसे जैसे सूरज में मौजूद हीलियम खत्म होने लगेगी, इसका एक्सपेंशन भी बढ़ता जाएगा। सूरज से सोलर विंड्स का निकलना तेज हो जाएगा जो कि अल्टीमेटली सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को खत्म कर देगा। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हमारा सूरज 1000 करोड़ साल का हो जाएगा तब उसका अंत होगा और वो एक वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। पर मेरे दोस्त, सोलर सिस्टम के इतिहास में एक समय ऐसा भी आएगा जब सूरज अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर पहुंच चुका होगा। दोस्तों यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अनुसार हमारा सूरज जब 800 करोड़ साल का हो चुका होगा उस समय वो अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा, यानी कि ये आज से करीब 350 करोड़ साल बाद होने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि उस समय सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स का क्या हाल होगा। अब दोस्तों एक एस्टिमेट के अनुसार आज से 350 करोड़ साल बाद सूरज की ब्राइटनेस आज के कंपैरिजन में 35 से 40% तक इंक्रीज हो चुकी होगी। और जानते हो इसका सबसे बुरा असर किस प्लैनेट पर पड़ेगा? वेल, वो प्लैनेट होगा मर्क्यूरी, जो कि सूरज के सबसे ज्यादा करीब है। ब्राइटनेस के इंक्रीज के साथ साथ सूरज का टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा और यह मर्क्यूरी के सरफेस को आज के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा गर्म कर देगा। एज ए रिजल्ट इसका कलर जो आज डार्क ग्रे है वो धीरे धीरे ब्राउन कलर में बदल जाएगा। अब दोस्तों नासा के मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने मर्क्यूरी के क्रेटर्स में वाटर आइस के एविडेंसेस को डिस्कवर किया है। पर जब सूरज अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर होगा ना, तब मर्क्यूरी के क्रेटर्स की ये वाटर आइस भी इवेपोरेट हो जाने वाली है। अब इतनी इंटेंस हीट के कारण मर्क्यूरी पर डे एंड नाइट की साइकिल भी इफेक्ट होने वाली है। अब एक तरफ दिन का टेम्परेचर बहुत हाई होगा तो दूसरी ओर रात के समय बर्फ जमने वाली सर्दी होगी। वैसे क्या कभी आपने मर्क्यूरी के टेल के बारे में सुना है? दोस्तों मर्क्यूरी के थिन एटमॉस्फेयर में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा है। जब सूरज की रेज इसके एटमॉस्फेयर में एंटर करने लगती है ना, तो ये सोडियम ग्लो करता है और आउटर स्पेस की ओर जाने लगता है और यही मर्क्यूरी के टेल को जन्म देता है। हालांकि ये फेनोमेना काफी रेयरली ही दिखाई देता है, लेकिन आज से 350 करोड़ साल बाद जब मर्क्यूरी पर सूरज से आने वाली रेज काफी ज्यादा बढ़ चुकी होगी तब पृथ्वी पर रहने वाले इंसानों को मर्क्यूरी की ये टेल भी काफी लंबी नजर आएगी। बट वेट ए सेकेंड, तो क्या इसका मतलब ये है कि उस समय इंसान धरती पर जिंदा होंगे? वेल, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि मर्क्यूरी और पृथ्वी के बीच में आता है वीनस। दोस्तों आज वीनस सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट है और इसका मेन रीजन इसके एटमॉस्फेयर में मौजूद डेंस क्लाउड्स हैं। पर जब सूरज अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस पर पहुंच जाएगा ना, तो उस समय इसके इंटेंस सोलर फ्लेयर्स इन डेंस क्लाउड्स को धीरे धीरे काटने का काम करेंगे। लेकिन रुको, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वीनस उतना गर्म नहीं रहेगा या फिर यहाँ लिविंग कंडीशंस बनने लगेंगी। दरअसल आज से 350 करोड़ साल बाद भी वीनस पर लाइफ या लिविंग कंडीशंस का कोई भी नामो निशान नहीं होने वाला। इन डेंस क्लाउड्स के बर्बाद होने का सीधा असर वीनस की रोटेशन पर पड़ेगा। शायद आपको नहीं पता होगा कि वीनस सोलर सिस्टम का स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लैनेट है और ये जितना भी रोटेट करता है उसके पीछे इसके डेंस क्लाउड्स का हाथ होता है। अब जब ये
डेंस क्लाउड्स खत्म हो जाएंगे तो वीनस सूरज के साथ ग्रेविटेशनली लॉक हो जाएगा, यानी कि इस ग्रह का एक साइड हमेशा सूरज की ओर ही बना रहेगा, वहां हमेशा दिन ही रहेगा, जबकि दूसरी साइड पर हमेशा रात का अंधेरा और बर्फ जमा देने वाली सर्दी होगी। पर वो प्लैनेट जो सूरज की ब्राइटनेस के बढ़ने से सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है वो है हमारी पृथ्वी, क्योंकि देखो दोस्तों ऑब्वियसली यही वो गोला है ना जहां फिलहाल तक जिंदगी का पुख्ता सबूत मिला है। सूरज की इंटेंस हीट और लाइट पृथ्वी के ओशंस को खाली कर देगी और यहां तक कि हमारे पोल्स पर मौजूद आइस के विशालकाय रिजर्व्स भी इवेपोरेट हो जाएंगे। धरती पर पानी की एक बूंद भी नहीं बचेगी और टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच जाएगा। पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत ऑक्सीजन तो बचेगी पर पानी के बिना यहाँ लाइफ का नामो निशान नहीं होगा। अब दोस्तों सवाल उठता है कि क्या पृथ्वी की दूसरी स्पीसीज के साथ साथ हम इंसानों का भी अंत हो जाने वाला है? वेल दोस्तों 350 करोड़ साल एक बहुत ही लंबा पीरियड होता है और इतने समय में तो हम इंसान वैसे भी पृथ्वी को छोड़कर चले जाने वाले हैं अगर हम आगे डेवलप कर पाए तो। उस समय तक शायद हम इंसान कोई दूसरे सोलर सिस्टम या शायद कोई दूसरी गैलेक्सी में रह रहे होंगे और हमारा ग्रह जहाँ इंसानों ने जन्म लिया था वो आग का गोला बनकर सूरज का चक्कर लगाता रहेगा। बाकी दोस्तों बात करें मार्स की तो यहाँ कुछ खासा फर्क नहीं होने वाला क्योंकि ये प्लैनेट तो पहले से ही बर्बाद है, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड तो पहले ही खो चुका है और इसका एटमॉस्फेयर ऑलरेडी बहुत ज्यादा पतला है। सूरज की ब्राइटनेस बढ़ने के बाद इसका बचा कुचा एटमॉस्फेयर भी खत्म हो जाएगा और इस प्लैनेट का कलर रेड से बदलकर ब्राउन हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट जुपिटर की, तो देखो इसके गैस क्लाउड्स का कलर रेड और ब्राउन हो जाएगा। इस गैस जायंट पर हरिकेन्स आज के कंपैरिजन में ज्यादा आएंगे और हमें ग्रेट रेड स्पॉट से भी बड़े बड़े स्पॉट्स देखने को मिल सकते हैं। सूरज की ब्राइटनेस और हीट के बढ़ने के साथ सोलर सिस्टम का हैबिटेबल जोन भी शिफ्ट हो जाने वाला है। अब देखो आज जहां ये हैबिटेबल जोन पृथ्वी के आसपास मौजूद है वहीं आज से 350 करोड़ साल बाद ये जुपिटर के मून्स जैसे कि गैनीमीड, कैलिस्टो और यूरोपा पर मेहरबान होगा। अगर हम इंसान यूनिवर्स में ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाए तो शायद उस समय यही मून्स हमारा ठिकाना बनने वाले हैं। अब दोस्तों जुपिटर की तरह सैटर्न भी थोड़ा रेडिश ब्राउन कलर का हो चुका होगा और यहाँ के मून्स जैसे कि टाइटन्स और इंसेलेडस पर लिविंग कंडीशंस डेवलप होने लगेंगी। दोस्तों नासा के वेबसाइट पर मौजूद इस आर्टिकल में बताया गया है कि आने वाले करीब 30 करोड़ सालों में शनि ग्रह के रिंग्स पूरी तरह खत्म हो जाने वाली है। अब ऐसा सूरज की ब्राइटनेस के इंक्रीज होने के कारण नहीं होगा बल्कि इसका कारण खुद शनि ग्रह की ग्रेविटी होगी जो समय के साथ साथ इन रिंग्स को अपने आप में मिला लेगी। यूरेनस के मून्स जैसे टाइटेनिया और ओबीरोन पर भी इंसानी सिविलाइजेशन के सबूत देखने को मिल सकती है। आज जिन मून्स पर आइस जमी हुई है ना, टेम्परेचर के बढ़ने से वो आइस वाटर में बदल जाएगी और इंसानों के पास सर्वाइव करने के लिए सारे रिसोर्सेस मौजूद होंगे। अब दोस्तों नेपच्यून के मून ट्राइटन की स्टडी करने पर ये पता चला कि इस मून पर भी वाटर की प्रेजेंस मौजूद है और फार फ्यूचर में यहाँ भी ह्यूमन सिविलाइजेशन फल फूल सकती है। हालांकि एक प्लैनेट के रूप में आज से 350 करोड़ साल बाद भी हमें नेपच्यून पर कोई खासा चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। नाउ द रीजन बिहाइंड दिस इज डिस्टेंस। ये सूरज से इतनी ज्यादा दूर है ना कि सनलाइट वैसे भी यहाँ बहुत ही कम पहुँचती है। अब दोस्तों सभी प्लैनेट्स की स्टोरी सुनने के बाद ये बात तो साफ है कि जैसे जैसे सूरज अपने रौद्र रूप में आएगा वैसे वैसे इनर सोलर सिस्टम बर्बाद होता जाएगा, वहीं दूसरी ओर आउटर सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक नए युग में कदम रखेंगे जहां लिविंग कंडीशंस पर उनका कंप्लीट डोमिनेशन होगा। अब दोस्तों इस बात से पता चलता है कि फिलहाल हमारी पृथ्वी कितनी ज्यादा लकी है, क्योंकि देखो यहां पर लाइफ की कंडीशंस इसीलिए बनी हुई है क्योंकि ये सूरज से परफेक्ट डिस्टेंस पर मौजूद है और यहाँ वाटर और ऑक्सीजन भी मौजूद है। हालांकि ये हमारे लिए एक वार्निंग भी है क्योंकि हैबिटेबल जोन एक दिन में अचानक से पृथ्वी से उठकर जुपिटर और आउटर सोलर सिस्टम की ओर नहीं जाने वाला बल्कि इसका शिफ्ट धीरे धीरे होगा। 350 करोड़ साल से काफी समय पहले ही पृथ्वी से इसकी प्रीसियस लिविंग कंडीशंस छिनने लगेंगी और अगर हम इंसानों को सर्वाइव करना है तो हमें इस प्लैनेट को छोड़कर किसी भी हालात में निकलना ही पड़ेगा। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय नीचे कॉमेंट में जरूर देना। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।